स्वागत है आप सबका फिर से इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24x7 में। जैसे कि आप सबको पता है कि इंडियन ट्रिब्यून न्यूज हमारे जम्मू के उभरते हुए सितारे, जो हमारे जम्मू के शाइनिंग स्टार्स हैं, उन लोगों से आपको मिलवाते रहते हैं। तो इन्हीं सब के चलते हम फिर से पहुंच चुके हैं आज केवी जी के पास, जो एक म्यूजिक डायरेक्टर है। लेकिन इनसे बात करने से पहले आज हम इनकी माता जी से बातें करेंगे, पूछेंगे कि इनका जो करियर था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे इन्होंने गाना लिखना स्टार्ट किया, गाने को कंपोज करना स्टार्ट किया। तो मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। काल जी जी आंटी, आप मुझे ये बताइए कि केवी को कब से गानों का शौक था, कब से उसने लिखना स्टार्ट किया, कब से उसने रैपिंग वगैरह स्टार्ट की? केवी ने 10th के बाद 10th पास की थी, तो उसके बाद उसने ना गाना लिखना शुरू किया और म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया था। वो यूट्यूब से देखता रहता था और बनाता था चोरी से अंदर में बैठ जाता था पढ़ाई के बहाने और ये म्यूजिक में लगा रहता था। और अपने इसको कंप्यूटर काफ़ी देर से ला कर दिया होता और उसी में यही काम चलता था इसका। थोड़ी देर तो हमको पता नहीं, हम सोचते थे ये पढ़ाई के लिए यूज़ करता है, लेकिन जब पापा इसके रात को उठ के आते थे बोलते ये क्या बना रहा तुम, फिर देखा उन्होंने कि म्यूजिक बना रहा है, बोलता था म्यूजिक बना रहा हूँ। तो थोड़े थोड़े फिर इसने लड़के भी आते थे, SP स्मार्ट स्कूल में पढ़ता था 11th में, फिर वहाँ से लड़कों को भी बुला के ले आता था। कई लड़के आते थे, उनको म्यूजिक बना के देता, तो एक दो लड़कों को बना के दिया। फिर इसका गाना जब रिलीज हुआ तो वीडियो भी बनाई थी इसने। पहला इसका वीडियो था कैसा तेरा इश्क, कैसा तेरा इश्क बोली है, तो उसमें इसने रैपिंग की थी, रैप की थी। तो रैप के साथ इसे बड़े अच्छी एक्टिंग वगैरह की थी। पापा इसके पापा बाजार गए थे ना, उसको उनको किसी ने बोला कि आप केवी के पापा हो, तो बड़ी खुशी सी महसूस हुई, बोलते यार तेरा तो नाम चमक गया। तो उसके बाद हमने इसको कभी टोका भी नहीं। तो ये तो हम सोचते थे कि पढ़ जाए, डॉक्टर इंजीनियर ही बने, तो सबकी ख्वाहिश होती है बच्चा। हाँ, एक एवरेज माँ बाप जो होते हैं हमेशा सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा पढ़े, तो, आगे बढ़े, KS ऑफिसर बने, IS ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन इसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। हम जब इसके 12th की इसकी रिजल्ट आया था, इसका पेपर आ गया था, केमिस्ट्री उड़ गई थी इसकी, म्यूजिक बनाया। पापा इसके पास बैठे रहते थे और ये बनाता रहता था, हमें बहुत प्राउड फील होता था, हमने इसको रोका ही नहीं। उसके बाद आप देख ही रहे कहाँ पे आज तक। तो जब इसका पहला अवार्ड था तो तब कैसी खुशी थी आपके दिल में, तो क्या डर था, क्या खुशी थी, क्या था आपकी कोई ऐसी फीलिंग बताइए, जो मिक्स फीलिंग्स होती है ना वो उसके बारे में बताइए। हम सभी गए थे, मेरे फैमिली के सारे गए थे, मेरी वो इनके ताऊ की ताइयां इनकी और बच्चे उनके सभी गए थे। हम इसके पहला अवार्ड शो था, जब खुश थे हम बहुत, हमको पता था इसको अवार्ड मिलेगा। लेकिन जब इसने स्टेज पे मम्मी पापा को बुलाया ना, इसके पापा रोने लगे थे, बोलते मेरे बेटे ने मेरे को आज अवार्ड दिलवाया, मेरे को इतना यकीन नहीं था कि मेरा बेटा आगे तक जाएगा इस फील्ड में। तो उसके बाद उन्होंने बोला बेटा जा, तेरे पीठ पे के पीछे मैं खड़ा हूँ, जहाँ जाना जा, तो जो करना कर ले। फिर उसने वही राह चुनी, आज मेहनत कर रहा है और आगे जा रहा है। आज अंकल आपके बीच में नहीं है, लेकिन आज वो भी जहाँ होंगे फक्र महसूस करते होंगे कि मेरे होने या ना होने से मेरे बच्चे ने वो करके दिखाया जो मैं चाहता था, मेरे वो सपने थे वो पूरे करना चाहता था। मैं एक बात बताती हूँ आपको, जब इसके पापा की डेथ हुई थी ना, इसका कंप्यूटर था वो बिल्कुल ख़राब हो गया था, यानी कि जम्मू में हर शॉप पे दिखाया, ठीक करवाने के लिए दिया, कहीं भी ठीक नहीं हुआ, यानी कि इससे सोचा कि टोटली ख़राब हो गया है। तो ये ना, हम इतने अमीर भी नहीं थे, इसके पापा बीमार हुए थे, काफ़ी पैसा लग गया था हमारा उनके ऊपर, हमारे ठीक ही थे, पर इसके सारे था आगे सारा कुछ इसने करना था, घर का खर्चा करना, घर को चलाना, बहन को भी अभी पढ़ाना था, इसके सिर पे था। मैं भी बैठ के सोची जी छोटा सा बच्चा अभी क्या करेगा जी, अभी इसका काम शुरू भी नहीं हुआ, तो कंप्यूटर भी ख़राब था इसका, अब नया कंप्यूटर कहाँ से लेके देंगे। तो रात को बैठ के ना इसने ना वही ख़राब कंप्यूटर निकाला पापा की डेथ के थोड़ी देर बाद, 10-12 दिन के बाद, 10-10 मिनट के बाद कंप्यूटर खोला उसने, तो ऑन किया तो कंप्यूटर चल पड़ा। यहाँ तक एक ऐसी चमत्कार था जो आज तक इनको पता लगा कि हर HP का मेरा लैपटॉप था, कंप्यूटर था, जो सर्विस सेंटर वालों ने भी जिस बोल दी थी कि वो ठीक नहीं होगा, ये खत्म हो चुका है, ये मदरबोर्ड उड़ चुकी है इसकी, चलेगा नहीं। और वो PC मेरे पापा के डेथ के 15-12 दिन बाद चलता है, और उस PC को मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ, क्योंकि उस PC ने ही मुझे इतनी पहचान दी, इतनी लाइफ दी है, उसके बाद कितना कुछ लिया उस PC पे, तो
तो मैंने वो मिस्ट्री रही है मेरी याद है कि वो चला कैसे। तो आंटी अब इसको और अवार्ड्स मिलने वाले हैं, तो अब बाहर जाते होंगे, अब कहते होंगे हाँ भाई सुनाओ केड़े बंदा है ताने देना है। मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर इसको ताने ना मिलते तो शायद ये नीचे ही होता, आई ऊपर तक ना जाता ये, ठीक है। कहते ना उन्होंने इसको पुश किया ताने मार के, तो वो ताने मारते रहे, ये चढ़ाइया करता रहा। मुझे तो खुशी है, मैं तो शुक्रिया करती हूँ ताने मारने वालों का। तो अब जी केवी जी आपकी बारी। अब चलो एक जड़ी शिकायता ना थोड़िया कि मीडिया मेनू इन्फ्लुएंस नहीं करती, हूं थोड़ी खत्म हुई है ना, ना खत्म नहीं होनी, वो चलती रहनी है, वो चलती रहेगी, क्योंकि मीडिया ना मेरा चलो इतना इन्ना नहीं हैगा, बट जितना मेरा इन्फ्लुएंसर्स के साथ है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रुपिज्म इफ यू हैव मोर देन 10K फॉलोअर्स 20K फॉलोअर्स दे विल प्रमोट यू, दे विल हेल्प यू, एंड इफ यू हैव लेस फॉलोअर्स एंड दे विल डोंट एवर कॉल यू कि आजो यार कि हम आपको प्रमोट करते हैं। पर एक बात सुनो, फॉलोअर्स से घर नहीं चलता, घर पैसों से चलता है। और अगर आप सोच रहे हो कि 10-15-20 हज़ार फॉलोअर्स बना के आप अगर मिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो, हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो, भाई वो नहीं होती है। तलवे किसी के चाटे नहीं आते मुझे, और ना मैंने किसी के चाटे हैं। बट चलो एक फैमिली इंटरव्यू है, इस बात को यहीं दबाते हैं, फिर कभी खुल के आएंगे आपके साथ, फेस टू फेस, फेस ऑफ होगा कभी, क्योंकि अभी रिसेंटली काफ़ी चीज़ें जो दिमाग में चल रही हैं, काफ़ी हमारी रिपोर्टरें बन के बैठी हुई हैं, कुछ हमारी इन्फ्लुएंसर्स बन के बैठी हैं, जिनका मैंने अभी कमेंट करके बेइज्जती भी की थी। चलो वो चीज़ें बात की हैं, तो चलो अभी मीडिया सपोर्ट करी, थैंक यू इंडियन ट्रिब्यून का, थैंक यू श्रीया महाजन जी का जिन्होंने इतना टाइम निकाल के हमारे पास आए, और एक इन्होंने स्टेप शुरू किया है जो एक स्टेप आर्टिस्ट को चाहिए था, क्योंकि हम एक कमरे में बैठ के मेहनत करते हैं और हमारी जो फ़ायदा है वो हमें मिलता नहीं है, क्योंकि कभी शो स्पॉन्सर्स कर ले जाते हैं, कभी शो स्टॉपर्स ले जाते हैं, कभी प्रोड्यूसर्स ले जाते हैं, लेकिन एक डायरेक्टर, एक सिंगर, एक वीडियो डायरेक्टर कभी जम्मू में फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन अब मीडिया हमारे साथ, अब हमें टेंशन की कोई बात नहीं है, हमें पता है हमने आगे जाना ही जाना। सर मीडिया ही एक ऐसा साधन है जहाँ से आप लोग उभरते हैं, जहाँ से लोगों को आपके बारे में पता है, तो मीडिया जो है वो हमेशा आपके साथ है, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ हमेशा आपके साथ है। थैंक यू सो मच। तो मेरा एक मैं आपको बात बता सकती हूँ, सबको एक बहुत ही फक्र होता है हमें ये बताते हुए कि जम्मू में रहते हुए एक म्यूजिक डायरेक्टर होते हुए इतने सारे अवार्ड्स जो हैं इन्हें मिले हैं, वो एक डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे जम्मू को ऐसी ऐसी वोकल्स से जो है इंट्रोड्यूस करवाया, जो शायद अगर ये इंट्रोड्यूस नहीं करवाते तो शायद वो घरों में दबके रह जाती या वो जम्मू से बाहर चले जाते अपना करियर बनाने को। और सबसे बड़ी बात, इनके पास हमारे जम्मू का सबसे छोटा सिद्धू मूसे वाला है, सबसे यंगेस्ट रैपर है, तो सर उसके बारे में कुछ बताओ। मैं बताता हूँ कि जब एक टाइम पे मैंने गाने निकालने थे, तब मेरे पास हमें मम्मा जैसे पहले कह चुके हम इतने रिच नहीं थे कि, बट मैंने उस दिन कसम खाई थी कि मैं हमेशा सबको प्रमोट करूंगा, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि मेरे पीछे वाली घर की गली है, तो मेरा फ्रेंड था अर्श, तो हम दोनों बोलते थे यार हम जब कंपनी लॉन्च करेंगे ना, हमारा सपना था जो कंपनी लॉन्च करके हम सभी आर्टिस्टों को प्रमोट करेंगे, हम जिसके पैसे नहीं होंगे गाना निकालने के, हमको पैसा गाना निकालेंगे। तो वो चीज़ें ना शुरू करते सोची थी, तो आई थिंक वही चीज़ें जो आज एक हाइप भी दे रही है, क्योंकि जब मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ तो मेरी हेल्प वो खुदा कर रहा है, वो रब कर रहा है, तो इस वजह से वो जो श्रेया जिक्र कर रहे हैं कि छोटा रैपर सिद्धू मूसे, वो आ गया यार, वो फायर है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या लिख रहा है, वो उसका दिमाग क्या चल रहा है, वो मुझे नहीं पता, वो कब क्या कर जाएगा कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो बच्चा नहीं है, बच्चा है लेकिन उसका दिमाग बच्चों वाला नहीं है, अभी तो उसकी छोटी बचकानी सोच है कि वो लिख रहा है जो वो थोड़ा अनमेच्योर पे लिख रहा है। जब जिस दिन वो मेच्योरिटी पे लिखेगा, मैं खून से लिखा जाता हूँ, तो अगला सिद्धू मूसे वाला वो होगा, क्योंकि अभी वो काफ़ी कुछ सीख रहा है, अभी वो काफ़ी कुछ, उसका बस एक ही डायलॉग है कि मैंने जब भी आना है, मैंने 2024 में मैंने छाना है, अब मेरे को लगता है कि वो छाएगा। तो केवी जी ने हमारे हमें ऐसे ऐसे वोकल से इंट्रोड्यूस किया जो हम शायद टीवी में सुनते थे, ऐसे ऐसे सूफी सिंगर्स भी हैं आपके पास, इनके पास वेस्टर्न गाने वाले भी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है केवी जब हम ये चीज़ देखते हैं कि आप उन लोगों को मौका दे रहे हैं जिनके पास शायद घर पे पैसे नहीं है सब चीज़ों को करने के लिए, जो घर से थोड़ी सी हार्ड सिचुएशन में है। तो कहते हैं ना, जब खुद के सिर पे घर नहीं हो तो इंसान दूसरों के सिर पे घर देना जरूरी समझता है। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। आपके सिर पे एक छत नहीं थी, आपने लेकिन चाहा कि हम दूसरों के सिर पे छत दें, ये बहुत बड़ी बात होती है एक आर्टिस्ट के लिए, एक म्यूजिक डायरेक्टर के लिए, जब वो बिना किसी लालच के, बिना किसी पैसे का लालच या फिर फेम का लालच। और मुझे नहीं लगता सर म्यूजिक डायरेक्टर होने के बावजूद आपको कोई फेम मिलता होगा, क्योंकि कल को जब कोई सिंगर बड़ा हो जाएगा तो कुछ लोग जो होते हैं वो साथ छोड़ देते हैं।
मेरे साथ ऐसा हुआ भी काफी बार है कि काफी सिंगरों ने साथ छोड़ा भी है, काफी ने नहीं छोड़ा। अमित कुंडल है, जो मैं प्राउडली कहता हूँ कि एट फर्स्ट डे हमारा गाना एक्सपेरिमेंट था, पेटीएम चार हिट होने के बाद हमने इतना एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन आज उस बंदे ने जब भी म्यूजिक का सोचना है तो हमेशा के वी ही उसके माइंड में आएगा, क्योंकि हमारा बॉन्ड ऐसा भाई वाला प्यारा बन चुका है। कुछ सिंगर्स ऐसे हैं जो मतलब होने पे कि हमें 6,000 रुपये कर दो, 5,000 रुपये कर दो, फिर जब करने की बारी आती है तो फिर जब 15-15, 20-20 हज़ार लगाने की बारी है तो बाहर चले जाते हैं। काफ़ी धक्के भी खाए हैं, लेकिन देने वाला वो है और हम हमें बनाने वाला भी वो है और हम प्लेटफॉर्म देने वाला भी वो है। बस ये है कि हम उसके एक बंदे यहाँ भेजे गए हैं कि हम आगे प्रमोट कर रहे हैं सबको, और बाकी तो हम जनता जनता तो हमारी फैमिली है, हमारे सपोर्टर है। जितना ये सपोर्ट करते रहेंगे उतना ही हम करते रहेंगे। जैसे मुझे सपोर्ट करने के लिए विकी खालसा जी हैं, मेरी मम्मा है, मेरी बहन है, उसके बाद के भैया हैं जो वीडियो डायरेक्टर हैं, फिर उसके बाद प्रवीण भैया हैं, फिर उसके बाद जो मुझे सिक्योर देते हैं, मुझे सिक्योरिटी के साथ मेरे साथ रहते हैं, प्रयास कर लूपी है, काफ़ी बंदे हैं जो लाइफ में जुड़े, अमित कुंडला, आदित्य भानू, सब ये जो बंदे हैं जो लाइफ में जुड़े ये हैं। तो मैं माहौल ऐसा बना दिया फैमिली ने, माहौल ऐसा बना दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को अपने आप पे इतना भरोसा नहीं है कि मैं कुछ जीतूंगा, लेकिन उनको पूरा भरोसा है कि ये बंदा कुछ जीतेगा। तो सपोर्ट की बात ये होती है कि मुझे माहौल बन रहा है, मैं आगे माहौल बनाता हूँ। सर काफी ऐसी बार होता है कि हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं पहले कहें पता क्या करेंगे, गाना लिख लगे, यार क्या हो गया, क्या करियर है तेरे गाने में, और कुछ होंगे भाई तू लिख, हम तेरे साथ हैं, अगर तू कल को बड़ा भी बन जाएगा फिर भी तेरे साथ है। ऐसे जो तत्व होते हैं जिंदगी में उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? जो सपोर्ट करते हैं वो हमेशा बाहर के होते हैं, और जो लाते खींचते हैं वो हमेशा घर के होते हैं। क्योंकि अगर आप किसी एक रिजॉर्ट रेस्टोरेंट में बैठे हो ना, तो कोई बाहर का बंदा आपको नहीं पूछेगा भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन एक अगर रिश्तेदार है, अगर एक नॉन वाला आएगा वो तुम्हें पूछेगा ओ भाई इधर क्या कर रहे हो। बाहर के बंदों को कोई लेना देना नहीं है। अगर बाहर में अगर गिटार भी एक रेस्टोरेंट में गिटार भी जाऊँगा ना, जो बाहर के होंगे वो प्रेस करेगा, लेकिन रिश्तेदार कभी प्रेस नहीं करेगा। रिश्तेदार आई थिंक बनाए इसी चीज़ के लिए होते हैं कि चाहे तुम आगे बढ़ो, तुम्हें ताने पड़े तुम आगे बढ़ो। मैं नहीं कहता कि मेरे रिश्ता बुरे हैं, ठीक है अगर मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं आज इतनी चलो थैंक यू बोल दो मैं बोलूंगा मैं, क्योंकि तीर जो तीर लगते हैं वो इधर लगते हैं, और एक तीर हमारा छोड़ना भी बनता है। क्योंकि आज अगर आप लोग साथ बैठे हो तो आज मेरा बोलने का टाइम है, कल को अगर नहीं बोलूंगा तो कल का कुछ नहीं पता। आज मैंने दुनिया को रिप्लेस किया, कल क्या पता दुनिया मुझे रिप्लेस कर दे। आज मेरा टाइम है, आज बोल दूंगा, कल क्या पता ना बोल पाऊँ, तो इसलिए आज बोल रहा हूँ, आज मुझे बोलने दो। तो ठीक है, रिश्तेदारों ने ताने दिए, उन एक तत्व अगर मुझे बनाने का है तो वो रिश्तेदार भी हैं। तो सर एक ना रैप मैंने आपकी सुनी थी, एक फेमस गाना था मेरा दिल ये पुकारे आजा पे, तो उसमें 2-3 आपकी रैप की लाइनें बता दो। उसमें थी न दूर की तू बात कर, हाथ पकड़ साथ चल घर, तेरे मम्मी डैडी से भी मेरी बात कर, आजा मेरे घर मम्मा से मिलाऊं तुझे, टेंशन की तू बात छोड़ वाइफ में बनाऊं तुझे, सच्ची नी वादे सारे सच्चे इस्तेफाक है, जब से तूने बोला मुझे आजा सच्ची दौड़ा चला आऊं मैं, दुनिया मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, तेरी प्यारी सी ये सूरत है दिल मेरा खींचे, बन मेरी क्वीन में भी बनू तेरा राजा, छोड़ के ये दुनिया तू मेरे पास आजा, छोड़ के ये दुनिया तू मेरे पीछे आजा, मैं क्या आजा। ओके थैंक यू सो मच केवी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मैम बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो आज हमें पता चला कि जब पेरेंट्स का साथ हो, जब आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े हों, तो आपके सपनों को उड़ान देना और सपनों को चेस करना वो दूर नहीं रहता है। तो जब इंसान सोचता है ना कि मुझे इस चीज को पाना है, तो अगर माँ बाप का हाथ हो ना सिर पे तो इंसान उस चीज को पा भी सकता है। लोग क्या कहते हैं, लोगों के ताने क्या हैं, ये चीज़ें सुन के कुछ माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों को घर में ही कैद रहने देते हैं। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि हमारे बच्चे से पढ़ें। हाँ मैं मानती हूँ कि पढ़ाई ज़रूरी है, अच्छी एजुकेशन जो है वो ज़रूरी है, आपके बच्चों का अच्छे बोलचाल ज़रूरी है, लेकिन उनके सपनों को क्या जिसने वो चेस करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर और मैम आपसे मिलके, बनी रही हमारे साथ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम फिर से लेके आएंगे आपके साथ एक नए चेहरे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच।